इस वीडियो में हम सीखेंगे यार LCM एंड SCF कैसे निकाले, वो भी फ्रैक्शन का। ये क्वेश्चन आता ही आता है यार, तुम किसी भी एग्ज़ाम में देख लो ना, 1 मार्क्स के ही आ जाते हैं। और एग्ज़ाम में आता तो यार एक तो बहुत टाइम लगता है, और लाइक हाउ टू सॉल्व इट इट्स वेरी इजी, बट एक्चुअली जब तक तुम जानोगे नहीं कैसे पता चलेगा। चलो यार समझते हैं। मतलब कुछ भी फ्रैक्शन है यार, 1/2 है, 3/4 है, 2/3 है, 4/9 है। इसका मान लो बोलता है LCM निकाल दें, इसका क्या मतलब है, कैसे निकालोगे यार? अब सबको डिवाइड करोगे 1/2, 0.5, देन यू नो 3, 4, ओह माय गॉड, पता चलेगा यार एक ही क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाए और सारा पेपर ख़त्म हो गया और तुम कर ही नहीं पाए। ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। LCM ऑफ रैंडमली ले रहा हूँ या कुछ भी, 2/3 कर लो यार, 3/4 कर लो, 6/9 कर लो यार, 1/2 कर लो, क्या हो गया? जब भी पूछे यार LCM ऑफ फ्रैक्शन दिस और एनी फ्रैक्शन, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है ना, कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए कुछ नहीं करना होता। LCM इज इक्वल टू LCM अपॉन SCF। मतलब क्या? मतलब ये है कि तुम LCM निकालोगे 2, 3, 6 and 9 का, सॉरी 1 का, 9 का है, 1 है ना। और SCF किसका निकालोगे तुम? 3 का निकालोगे, 4 का निकालोगे, 9 का निकालोगे, 2 का निकालोगे, समझ गए? इसी तरह से तुम्हें करना। मान लो जिस इसका LCM क्या हो जाएगा यार, 6 हो जाएगा, है ना। और नीचे वाले का तुम्हें SCF निकालना होता है, SCF इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नो, 2, 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6/1 हो जाएगा, है ना, समझ गए? उसी तरह मान लो तुम्हें बोलता है यार SCF, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, किसी भी ऐसा किसी का कहीं से भी नहीं ले रहा हूँ, ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ, राइट। 1/3 है या 4/5 है, 2/3 है या 4/6 है। जब भी SCF बोले इस फ्रैक्शन का SCF, तो तुम क्या वही फिर से डिवाइड करने लग जाओगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जब भी पूछे SCF निकालना है तो तुम क्या करोगे? SCF निकालने बोलेगा तो तुम SCF अपॉन LCM करोगे। मतलब कहना क्या चाहते हो, अभी बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। SCF निकालोगे 1 का, 4 का, 2 का एंड 4 का, राइट। और LCM किसका निकालोगे यार? 3 का निकालोगे, 5 का निकालोगे, 3 का निकालोगे, 6 का निकालोगे। SCF इसका क्या हो जाएगा? SCF इसका क्या हो जाएगा? SCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 ही है ना जिससे ये कंप्लीटली कट हो सकता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF इज व्हाट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM इज व्हाट? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका LCM क्या हो जाएगा यार? 3 है ना, तो 15 तो नहीं, 6 से तो नहीं होगा, 30 कर लो, 30 हो जाएगा। इसका SCF तो 1/30 इज द आंसर, राइट। सो जब भी LCM पूछे फ्रैक्शन का क्या करना है, ऊपर वाले का LCM निकालना है, नीचे वाले का SCF निकालना है। SCF पूछे फ्रैक्शन का
क्या करना है, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एससीएफ का तुम्हें ऊपर न्यूमरेटर का एससीएफ निकालना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, दिस इज इट, यही करना है। और एलसीएम और एससीएफ से तुम्हें पता ही है निकालना, राइट? अगर नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू फाइंड इट यार, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एससीएफ। इट्स वेरी इजी, ऑल यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो और सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करोगे, ठीक है, लाइक कर दो, क्या हो गया। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।